कुछ लोगों को कॉमेडी पसंद होती है तो कुछ लोगों को हॉरर, मगर जब ये दोनों चीजें एक साथ हो जाती है तो कितना मजेदार लगता है। तभी तो हॉरर कॉमेडी को लोग इतना पसंद करते हैं। खैर, अगर आप लोग भी इनमें से हैं तो आप लोगों का एंटरटेनमेंट होने वाला है डबल, क्योंकि यहाँ पर अमेज़न मिनी टीवी पर एक सीरीज आ चुकी है जिसका नाम है प्रेत बॉयज, जिसमें कुछ दोस्त डराएंगे ही नहीं बल्कि डरा डरा कर थोड़ा बहुत हंसाएंगे भी। इस सीरीज की कहानी प्रेम, रजत, तत्सत और ईशा के इर्द गिर्द घूमती रहती है। दरअसल प्रेम, रजत और तत्सत तीन दोस्त है जिन्होंने भूत पकड़ने का नया काम शुरू किया है, और इसी दौरान उनकी मुलाकात होती है ईशा से, जो भूत को देख भी सकती है। और इसी बीच भूतों को पकड़ते पकड़ते वो एक ऐसी डरावनी चंगुल में फंस जाता है जिससे बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। क्या वो इस चंगुल से निकल पाएंगे या नहीं, इसके लिए तो आपको ये पूरी वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीजन का क्लाइमेक्स ऐसे मोड़ पर आता है जहाँ पर इसके एंडिंग देखकर आप सीजन 2 का बेसब्री से इंतजार करेंगे। इस सीरीज में सभी की एक्टिंग एकदम जबरदस्त है और सभी ने अपना रोल एकदम बेखूबी से निभाया है। यहाँ पर सभी ने हम लोगों को डरा डरा कर हंसाने की कोशिश भी की है। प्रेत बॉयज की कहानी 10 एपिसोड में बिखरी हुई है। इस सीरीज को डायरेक्ट किया है निशिद नीलकंठ ने। ऐसे देखने जाए तो प्रेत बॉयज की कहानी जेन जी की है, लेकिन पिछले साल एक मूवी आई थी जिसका नाम है फोन बूथ, और वो भी इसी जॉनर में आती है, जहाँ पर कुछ ऐसा था कि दो लोग मिलकर भूतों को पकड़ने की कंपनी खोलते हैं और फिल्म में कैटरीना कैफ की एंट्री होती है, और क्लाइमेक्स में हम लोगों को बताता है कि फिल्म में कैटरीना कैफ ही भूत थी। जब फोन भूत वाली मूवी आई थी तब ऐसे लोग बोल रहे थे कि ये वाली जो मूवी है ये रीमेक है गोस्ट बस्टर्स वाली फिल्म की, जो कि हॉलीवुड में बनी हुई थी। तो ये हो गई बात फोन भूत और प्रेत बॉयज के बीच की। तो ओवरऑल अगर आप लोगों को हॉरर कॉमेडी वाली फिल्म्स अच्छी लगती है तो ये वाली सीरीज आप लोगों को बिल्कुल पसंद आएगी। इसमें कई सारे ऐसे डरावने सीन्स है जहाँ पर आप लोगों के पसीने भी छूट जाएंगे, और इसमें कॉमेडी फैक्टर वाला तड़का भी है जहाँ पर आप लोग बहुत सारा हंसेंगे भी। इसके स्क्रीन प्ले से लेकर डायलॉग्स तक सभी कुछ अच्छा है, तो मैं इस सीरीज को देना चाहूंगा 5 में से 3 स्टार। तो क्या आप लोगों ने ये सीरीज देखी है या नहीं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।